हिंदू धर्म में धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस यानी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था, इसलिए इस दिन सोना चांदी और अन्य धातु को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपावली के पंच दिवसीय त्योहार की शुरू धनतेरस से ही होती है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका 13 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। आज के दिन लोग सोना चांदी या बर्तन आदि खरीदने के अलावा वाहन की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन वाहनों की या फिर वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करते हैं। आज के दिन धातु या फिर वाहन आदि के अलावा जड़ी बूटियाँ खरीदना भी शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा और खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:03 से और समाप्त होगी 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:01 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। और क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है, तो इस बार मंगलवार के दिन भोम प्रदोष व्रत रहेगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:01 से 6:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:01 से रात 8:01 तक रहने वाला है। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 से रात 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हो वह अगले दिन भी त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले फले तक यानी दोपहर 1:05 से पहले फले तक खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहे। एतो अभिजीत मुहूर्त सुबह 1148 से दोपहर 1232 तक। अमृत काल सुबह 10:02 से 12:01 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:04 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:38 से 6:04 तक। इन चार मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अब जो लोग भी वाहन खरीद कर लाना चाहते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 1:41 से दोपहर 12:05 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:05 से 1:02 तक रहेगा और तीसरा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:51 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन खरीदी गई नई गाड़ी की पूजा अवश्य करें और वाहन की पूजा आप मंदिर में पुजारी जी से या फिर घर की ही स्त्री से करवा सकते हैं। जो लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं वह उस वाहन पर एक मौली और पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। बाद में इस वस्त्र को मंदिर में ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति से संबंध रखता है और इससे सौभाग्य आता है। कार खरीद रहे हैं तो पूजा करने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और फिर नारियल फोड़ने के बाद ही नई कार को चलाना चाहिए। यह थी धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।